और दोस्तों क्या हाल चाल है। आज का जो चैप्टर है इसे पढ़ के तुम्हें शॉक लग सकता है क्योंकि इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। कितना बेकार जोक था। वैसे सच्चाई तो ये है, इसे पढ़ोगे तो शौक तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो पक्का रिजल्ट आने के बाद पहले घर वालों को शौक लगेगा, फिर वो तुम्हें तगड़ा वाला 440 वोल्ट का शौक दे देंगे। चलो तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो सबको पता होगा। यहाँ पे जिन्हें नहीं पता वो अपनी उंगलियों को प्लग में घुसा के देखें, और फिर जो चीज तुम एक्सपीरियंस करोगे उसको हम बिजली कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी। और हाँ, असली में मत करना, अगर करना हो तो वो मच्छर मारने वाले रैकेट के साथ ट्राई करना। तो हमें ये तो पता है कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब ये चार्जेस एक तार से जाते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स में और नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो अब मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा जो सिलेबस से बाहर हैं। ये थोड़े से हाई लेवल की बातें हैं, तो ध्यान से सुनना। एक्चुअली में ये जो तार होते हैं इन सब में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं। मान लो ये तार है जो A से B प्लेस तक जाता है, और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी A से B है। तो जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी A से B जा रही है तो हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज A से B प्लेस तक जा रहा है। लेकिन असलियत तो ये है कि पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स तो कभी मूव ही नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स B प्लेस से A प्लेस जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी तो उन साइंटिस्ट लोगों को ये बात पता नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, तो उन्होंने माना कि प्रोटॉन्स मूव हो रहे हैं, और तब से ये सब गलत डायरेक्शन वाली प्रथा शुरू हो गई। और इस प्रथा को हम यहाँ भी इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। चलो तो चैप्टर पर। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट होता है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, या यूं कह लो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। और हम इलेक्ट्रिक करंट को I और चार्ज को Q और टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी SI यूनिट होती है सेकंड, चार्ज की कूलम और इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। यहाँ पे हम कूलम को C और एम्पियर को A से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे सेकंड को हम S लिखते हैं। दोस्तों, एक एम्पियर का करंट तब आता है जब एक कूलम चार्ज एक सेकंड में ट्रांसफर हो जाए। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि एक कूलम 6 × 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होता है। चलो अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। एक तार से 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और ये फ्लो करता है 2 मिनट के लिए। तो बताओ उस तार से कितना चार्ज पास हुआ। करो करो, तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। चलो अब देखते हैं कि तुम्हारा आंसर सही था या नहीं। तो हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक करंट है 2 एम्पियर और टाइम है 2 मिनट्स, जो कि 120 सेकंड्स के बराबर होता है। याद है ना, हमेशा चीजों को SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। हाँ, तो चार्ज हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से जो अभी हमने सीखा था, I = Q/T, यानी करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। और यहां से आ जाएगा चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम। अब वैल्यूज डाल दो I और T की। 2 × 120 यानी 240 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ उस तार से। यार, ये तो अच्छा खासा चार्ज है, और मुझे भी अब अपनी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। बहुत थक गया हूं मैं। चलो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।